बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं प्रोफेसर फरहान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक कामयाब इंसान कैसे बनता है। बेसिकली कामयाब इंसान बनने के लिए जो है एक कामयाब इंसान में जो है रेगुलरिटी हो, कि वो अपने काम को जो है रेगुलरली रेगुलर बेसिस पे करे, वो जो है पंक्चुअल हो, कि एक काम को मतलब पंक्चुअलिटी के साथ जो है करे, अपने फैमिली वालों को भी टाइम दे, अपने एजुकेशन को भी टाइम दे, अपने मस्जिद को भी टाइम दे और कुरान करीम की वो तिलावत भी करे, तो इस तरह से वो एक एक्सपर्ट और एक कामयाब इंसान बन सकता है। मैं आपको कामयाब इंसान बनने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह के दरिया में पानी जो है बहता है, जब पानी बहता है तो पानी के आगे जो जो चीज़ भी आती है, चाहे वो पौधे हों या कोई पहाड़ हो, तो वो जो है पहाड़ की चट्टानों को अबूर करके चला जाता है। इस तरह एक इंसान जो है उसमें एक मुस्तकिल मिजाजी हो कि मैंने एक कामयाब इंसान बनना है, तो कामयाब इंसान बनने के लिए वो जो है मुस्तकिल मिजाजी से अपनी स्ट्रगल्स करें, दूसरों को कॉपी करें और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कॉपी करें, उनके साथ बैठें, उनसे जो है सीखें। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी एक कामयाब इंसान बने, हम भी एक कामयाब, लेकिन किस तरह बनेंगे ये ऐसे नहीं बन सकते। हम आपको इसका एक तरीका बताते हैं कि हमारे अंदर जो है मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेट सपोज एक बंदा प्रोफेसर बनता है, एक बंदा डॉक्टर बनता है, एक बंदा इंजीनियर बनता है, तो हाउ इज पॉसिबल? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा प्रोफेसर बनता है, लेट सपोज स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेसर बनता है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है उसको अपनी स्टडी के साथ स्टडी करनी चाहिए। इसके अलावा और जो है प्रेजेंटेशन स्किल्स उसकी अच्छी हो, अपने सीनियर्स के लिए आपको सीखे। इस तरह डॉक्टर के लिए क्या चाहिए कि वो जो है ईटा टेस्ट पर फर्स्ट ऑफ ऑल पास करता है, फिर जो है एमबीबीएस करता है, फिर उसके बाद जो है डॉक्टर बन जाता है। तो ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहूँ कि कामयाब इंसान बनने के लिए सिर्फ ये मेहनत करनी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि बीइंग मुस्लिम्स अल्लाह ताला के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी पर अमल करना है, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इसके अलावा हम आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चाहे जिस दुनिया का जो इंसान भी हो, अगर उस बात पर अमल करे तो वो उससे कामयाब इंसान बन जाए। वो बात क्या चीज़ है, वो मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। वो उस बात में बहुत कुछ वजन है। वो बात है, वो एक बात है, वो जो है ठीक है, हम इबादत भी करते हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, हम बड़ों का अदब भी करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बताना चाहूँ, इस बात पे बहुत वजन है। वो बात क्या है बताओ आपको? वो हमारे माँ बाप की खिदमत है। अगर हम प्रोफेसर भी बनेंगे तो अगर हमारे लिए माँ बाप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हम जो है कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, क्योंकि माँ बाप की दुआओं से एक अगर खोटा सिक्का भी हो तो खोटा सिक्का भी जो है यकीन माने, मुझ जैसा आदमी, मैं एक ऐसा इंसान था कि मुझे कोई पहचानता भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आई एम प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं आपको जो है ये कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, ये इसको फॉलो करें। अगर माँ बाप की जो है दुआएं हों आपके साथ, तो यकीन माने कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप इनकी खिदमत करें, चाहे जिस स्टेज पे भी है, अगर आप बहुत नालायक भी हैं, मेहनत करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, इंशाल्लाह एक दिन जो है आपकी कामयाबी जो है रन लाएगी। सिर्फ मेहनत नहीं होती, मेहनत के साथ साथ आप अपने वालिदैन की इज्जत करें, आप जो है मस्जिद को टाइम दें। हमारे साथ रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिल सके। शुक्रिया।